Battlegrounds Mobile India खेलने वाली सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। पेश करते हैं आपके लिए आने वाली अपडेट का प्रीव्यू। सारे खिलाड़ी जो नए वर्जन में अपडेट करेंगे उन्हें एक वाइल्ड एम्बिशन सेट मिलेगा। नया स्टार्टिंग आइलैंड और एक शानदार स्काई आइलैंड आ रहा है इरांगल में। नए और बेहतर स्टार्टिंग आइलैंड्स को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाएं। आप रैंक टैब में जाके इरांगल और लिविक को चूज करके होली धमाका थीम मोड खेल सकते हैं। इरांगल और लिविक में स्काई आइलैंड मिलेगा। जब आप प्लेन से पैराशूट करेंगे आपको दो आइलैंड्स दिखेंगे, एक जिसमें इजिप्ट जैसे पिरामिड्स होंगे और एक में विंटर थीम्ड आइस कैसल। जब आप स्काई आइलैंड पर उतरते हैं तो आपके कैरेक्टर का चेहरा एक क्यूट कलरफुल सर्कल में बदल जाएगा। दोनों स्काई आइलैंड में चार सेक्टर होते हैं और प्रत्येक सेक्टर में अलग अलग रंगों के हेक्स शॉप के कॉइन्स दिखाई देते हैं। अगर आप अपने कैरेक्टर्स के फेस कलर का कॉइन कलेक्ट करते हैं तो आप कॉइन्स जल्दी कलेक्ट कर सकेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइसेस की हेल्प से आप अपने कैरेक्टर्स का फेस कलर भी चेंज कर पाएंगे। सही टाइम पर आप सही कलर चूज कर सकते हैं और उन्हें स्काई आइलैंड से लेकर नीचे ग्राउंड्स पर यूज कर सकते हैं। जब टाइम खत्म होता है तो स्काई आइलैंड्स बंद हो जाएंगे और सारे प्लेयर्स ग्राउंड पर गिर जाएंगे। और हाँ, आप एनिमी से फिनिश होकर भी ग्राउंड पर गिर जाएंगे। स्काई आइलैंड में आपके कैरेक्टर का चेहरा बड़ा हो जाएगा जब वो एनिमी से मार खाएगा और फिनिश होने पर वो हवा में फ्लोट करेगा। टीममेट्स फ्लोटिंग प्लेयर को शूट करके उन्हें सेव कर सकते हैं। अगर वो सेव करने में नाकाम होंगे तो प्लेयर फिनिश हो जाएगा और ग्राउंड्स पर गिर जाएगा। फिकर ना करें, आप खुद भी स्काई आइलैंड से जंप करके ग्राउंड्स पर जा सकते हैं। रेनबो प्लाजा और कैंप इरांगल के पास मिलेंगे। नए टेरेन्स और नई एंटिटी भी इन्हीं जोन्स पर होगी। इन एंटिटीज के साथ इंटरैक्ट करने पर क्रेट्स मिलेंगे। रेनबो प्लाजा और कैंप में एक नया बाइसिकल व्हीकल भी ऐड हुआ है। बाइसिकल से आपकी स्पीड स्प्रिंटिंग से भी ज्यादा तेज होगी और आप हायर जंप भी कर सकते हैं, तो इसे सही से इस्तेमाल करना। याद रखना कि एनिमीज आपको अटैक कर सकते हैं और आप अपने वेपन्स यूज नहीं कर पाएंगे। BGMI में एक नया प्लेग्राउंड भी देखने को मिलेगा। इस बार प्लेग्राउंड और भी बड़ा हो गया है। मैप पर प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जिसे यूज करके आप और भी जल्दी मूव कर सकते हैं। प्लेग्राउंड में एक इंडोर शूटिंग रेंज भी ऐड हुआ है जहां पर आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट फायरआर्म चूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेग्राउंड में एक रेसिंग ट्रैक भी ऐड हो गया है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं और अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सोसनोवका ब्रिज का एक रिवाइज्ड वर्जन भी आ रहा है इरांगल में। नए सोसनोवका ब्रिज को एक्सप्लोर करें। अब रैंक्ड और अनरैंक्ड मोड में रैंडम मैचिंग ऐड हो चुकी है। इस फीचर के साथ आप अपने फेवरेट मैप में रैंडम मैचिंग से खेल सकते हैं। इस ऑडियो इम्प्रूवमेंट के साथ आप फुटस्टेप्स और गन फायर और अच्छे से सुन के अपने एनिमीज को हरा सकते हैं। लिविक एफ्टरमैथ मैप जो आप अनरैंक टैब से खेल सकते हैं उसमें भी कई इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं। इंडोर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स भी सिंप्लीफाई हो चुके हैं और कुछ अर्बन जोन्स में भी कई चेंजेस आए हैं। इससे आपको एक रुइंड सिटी की लुक एंड फील मिलेगी। जिपलाइन एनिमेशन इम्प्रूव करे गए हैं और लूटेड फायर आर्म में एसी कोर अटैच रहते हैं। ये आज की अपडेट प्रीव्यू का एंड है। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो Battlegrounds Mobile India के ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। विनर विनर चिकन डिनर।